नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रीतु सिंह। बालाघाट जिले में धान खरीदी के लिए कुल 186 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अब पर्याप्त मात्रा में धान की आवक भी हो रही है, लेकिन परिवहनकर्ता द्वारा समय पर धान का परिवहन नहीं किया जा रहा, जिसके कारण खरीदी उपार्जन केंद्रों में धान का अंबार लगा हुआ है। मौसम की लुका छुपी निरंतर चल रही है, कब किस समय बरसात होने लगे कहा नहीं जा सकता। इस बात को लेकर उपार्जन केंद्र के केंद्र प्रभारी हमेशा चिंतित रहते हैं। कहीं कहीं पर तो इतनी अधिक धान रखी हुई है जिसकी पूरे तरीके से पानी से सुरक्षा कर पाना भी बड़ा मुश्किल काम है। बालाघाट जिला मुख्यालय की तहसील बैहर के बैहर, मोहगांव, बाकल, बिजाटोला, रेलवाही, मंडई धान खरीदी केंद्रों में भी पर्याप्त परिवहन न होने की वजह से धान खरीदी में लगातार अनेक परेशानियां आ रही हैं, जिसके कारण यहाँ भी धान खरीदी प्रभावित हो रही है। परिवहनकर्ता की मनमानी के चलते उक्त उपार्जन केंद्रों के केंद्र प्रभारी भी अच्छे खासे परेशान नजर आ रहे हैं। समय पर परिवहन न होने के कारण खरीदी केंद्रों में अब किसान का धान रखने की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी कारण SMS आने के बाद भी किसानों को खरीदी केंद्र में अपनी धान बेचने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की गई थी, लेकिन परिवहनकर्ताओं की लापरवाही का दंश झेलने के लिए किसान और केंद्र प्रभारी दोनों मजबूर हैं। तो वहीं दूसरी ओर फटे पुराने खस्ताहाल बारदानों की सप्लाई से भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। किसान और मजदूरों को दिन दिन भर इन फटे पुराने खस्ताहाल बारदानों को छांटने में ही लग जा रहा है। बहरहाल, अगर अब भी परिवहन व्यवस्था नहीं सुधरी तो जिले के कई किसान अपनी उपज धान खरीदी केंद्रों में सरकारी मूल्य पर बेचने से वंचित रह जाएंगे। पूरा परिचय दीजिए। मैं DL ठाकरे, खरीदी केंद्र प्रभारी मंडी। ठाकरे जी, अभी तक कितने किसानों से धान खरीदी जा चुकी है? 512। पंजीयन कितने? 715। 715 में 512 हो चुके हैं, मतलब बहुत कम किसान शेष बचे। कितनी खरीदी हो चुकी क्विंटल में? 17183 क्विंटल खरीदी। 60 किलो। इसे परिवहन की क्या व्यवस्था है ठाकरे? परिवहन तो अभी तक ठीक था, अभी अभी वो चौराही जा रहा है माल, तो ट्रक लेट लग रहे हैं। अभी कितनी पेंडिंग होंगे बोरियाँ आपके यहाँ? मेरे यहाँ बोरी पेंडिंग है 15,514। 15,514 बोरी परिवहन करने का शेष। परिवहन शेष है, परिवहन की समस्या आपके यहाँ पे भी आ रही है? आ रही है। परिवहन नहीं होने की वजह से क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? प्रभावित हो रही है और किसान जगह नहीं मिल रहे हैं, जगह नहीं मिल रही, खरीदी प्रभावित हो रही है। किसान जो है वो भी परेशान परेशान किसान परेशान तो सबसे ज़्यादा खरीदी प्रभावित परेशान सबसे ज़्यादा। तो आप ये चाहेंगे कि जो परिवहन अगर वो प्रॉपर हो जाए तो 16 तक आप सारी व्यवस्थाएँ सारे किसान जो है कम्प्लीट हो जाएंगे? 16 तक हाँ, हो जाए परिवहन हो जाए, बोरे खाली बारदाने आ जाए और कंटिन्यू थोड़ा सा ट्रक लग जाए तो। बारदानों की क्या व्यवस्था है आपके? बारदाना 2 दिन चलेंगे, उसके बाद खत्म हो जाए। डिमांड जा चुकी है? हाँ, डिमांड जा चुकी है 20,000। दिलीप चौधरी। चौधरी जी, धान खरीदी केंद्र? धान खरीदी केंद्र बढ़िया। चौधरी जी, बताएं ये यहाँ पर क्या समस्या जा रही खरीदी को लेकर? खरीदी में समस्या ये जा रही कि परिवहन नहीं बराबर समय से नहीं हो रहा है। लगभग कितना माल डंप है आपका यहाँ? अपने पास में 12,000 बोरे डंप। तो अभी अभी तक कितना माल यहाँ से उठा हुआ है, कितनी बार गाड़ियाँ लगी है? अपनी गाड़ी 26 गाड़ी 26 गाड़ी लग चुकी है, जा चुका है। मतलब जिस हिसाब से किसान का धान आ रहा है उस हिसाब से परिवहन नहीं हो पा रहा है? हाँ, जिस हिसाब से किसानों का जो धान आ रहा है, आवक हो रही है, उस हिसाब से बराबर गाड़ियाँ नहीं लग रही है, तो उठाव नहीं हो पा रहा है। आपके पास इतनी बड़ी जगह रहने के बाद भी अभी देखा जा रहा है कि आपको जगह की धान रखने के लिए अपने पास जगह नहीं है? अच्छा, तो ये रोज की अगर चार पाँच गाड़ी अगर आते रहे तो फिर समस्या दूर हो जाएगी। इसको लेकर आपने वहाँ सूचना भी दी होगी? नहीं, कल हाँ सूचना तो बराबर रोज फ़ोन करते हैं हम ट्रांसपोर्टर को कि गाड़ी भिजाओ, हाँ भिजवा रहे हैं ऐसे ही बोलते हैं। इसके बाद भी लेट लगती आज भर 2 गाड़ी आई है बस। इसके बाद और क्या?